नेशनल कमांडेंट ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास, मवेशी मंडियों के इंतजाम और हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। असद उमर ने खबरदार करते हुए कहा कि ईद उल अजहा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है, तमाम सूबे SOPs पर सख्ती से अमल कराएं। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांडेंट ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास हुआ। इजलास में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद से मुतालिक डिजिटल डेटा के तज्जिए पर गौर किया गया। NCOC ने मवेशी मंडियों के इंतजाम और हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर जोर दिया। इजलास में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद ही कोरोना से बचाव का तरीका है और अवाम की सेहत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अजहा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। सूबे में कोरोना के हिफाजती इकदामात और मवेशी मंडियों के कयाम में हिफाजती इकदामात यकीनी बनाएं। वफाकी वजीर ने मजीद बताया कि कोरोना केसेस में कमी की वजह टेस्टों में कमी नहीं है, हिफाजती तदाबीर पर आवाम का बेहतर रवैया, इंतजामी इकदामात और स्मार्ट लॉकडाउन है। एहतियात में कमी से वबा का फैलाव बढ़ सकता है।